राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे पहले अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत कल संक्रमित हो गई थी। दोनों घर पर ही आइसोलेट हो गए हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा, कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर ही कार्य जारी रखूंगा। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा था, मेरी पत्नी सुनीता गहलोत कोविड पॉजिटिव आ गई हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार होम आइसोलेशन में उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। अब मैं एहतियातन आइसोलेशन में रहकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों के साथ शाम 8:30 बजे रोजाना होने वाली कोविड समीक्षा बैठक लूंगा। बता दें कि राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को राज्य में रिकॉर्ड 16,613 नए कोरोना के मामले मिले और 120 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 8,303 लोग रिकवर भी हुए। राजस्थान में अब कोरोना के 5,63,577 केस हो गए हैं। सूबे में कोरोना के एक्टिव केस 1,63,372 हो गए हैं। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।